हे मेरे महादेव, सच्चे दिल से जो भी इस वीडियो को लाइक करें उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देना। लाइक जरूर करें दोस्तों। सावन का महीना 22 जुलाई दिन के पहले सावन सोमवार व्रत से 19 अगस्त तक रहेगा। ऐसे में अगर आपको भोले बाबा की कृपा पानी है तो अपने घर से तुरंत हटा दे, ये चीजें नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर से फौरन हटा दे ये चीजें, क्योंकि सावन में भगवान शिव हमारे घर में वास करने आते हैं, इसलिए घर को गंदा ना रखे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो ये घर में नकारात्मक ताप फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कुछ ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा, साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है और कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, नंबर एक, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार तथा धर्म शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है, साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। भगवान से रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना भगवान तक फिर नहीं पहुंच पाती। गंदी नाली कीचड़ के कारण प्रार्थना भी आने से डरती है, पॉजिटिविटी का सत्यानाश हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर तक नहीं आती, बल्कि हम भूत प्रेत को ऐसा करके अपने घर बुलाते हैं। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है, रिश्तेदार और मेहमान उस गली का रास्ता भूल जाते हैं, कोई नहीं आता ऐसे घर में। जब साधारण मनुष्य घृणा करता है तो ईश्वर से आप क्या उम्मीद रखेंगे? सकारात्मकता का आप खुद सत्यानाश करते हैं, इसीलिए सफाई जितनी रखोगे उतना ही देव शक्तियां आएंगी। माता लक्ष्मी घर की ओर प्रस्थान करती है। दोस्तों, नंबर दो, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, सोचते हैं इससे घर हमारा खूबसूरत दिखेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हों तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। अगर आप कांटेदार पौधे को शुभ मानते हैं तो एक बार अपने बच्चों को उस कांटेदार पौधे के पास भेजो और उसे खेलने के लिए बोलो। आपका शिशु उस कांटेदार पौधे से जख्मी हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दे। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बियाच जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटा कर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। अब मान लीजिए, जैसे ही गेट पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो माता लक्ष्मी कचरे से भरी बाल्टी को देखकर वापस लौट जाती है। माता लक्ष्मी भी कहती हैं कि मेरे आगमन पर ऐसा दुष्ट व्यवहार करने वाले के घर में मैं कभी नहीं जाती, इसीलिए ऐसा भूल कर भी न करें। और दोस्तों, कूड़े दान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, बायफर आदि भी नहीं रखने चाहिए, बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। खंभे से बिजली या करंट लगने से बच्चों की मृत्यु हो सकती है, इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखा गया है। घर के सामने बिल्कुल या घर से सटा हुआ खंभा मृत्यु को दावत देता है, राहु केतु को आकर्षित करता है, घर कंगाल हो जाता है। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि, वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। घर के ऊपर बेल चढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा सांपों के लिए कारण बनता है कि सांप इसकी सहायता से घर में प्रवेश कर जाता है। सांप बेल की सहायता से घर में घुस जाते हैं, चढ़ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को काट सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ऐसे पौधे घर में लगाने से बचना चाहिए और बेल जमीन से सटाकर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, यह शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है, बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। एक बार पुराणों के अनुसार माना जाता है कि माता लक्ष्मी के भक्त ने माता की मूर्ति को घर के बाहर लगा दिया था, और जब माता लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आ रही थी
तब वह बाहर से यह सोचकर लौट गई कि इसने मुझे बाहर कर दिया है, तो अंदर में कैसे जाऊं। माता लक्ष्मी जब बाहर से लौट गई तो उनका भक्त निर्धन हो गया था। माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई थी, इसीलिए आप ऐसी गलती मत करना। माता लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती हैं। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, नंबर 9, केले के पत्ते की बंदरबाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरबाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचड़ा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल न लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। इस समय भगवान शिव का आगमन होगा, तो घर को सुगंधित रखें और सुगंधित पौधे लगाएं, वातावरण सुगंधित बनाए रखें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए, तथा घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर न बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। माना जाता है कि शाम के समय, सूर्यास्त के समय चौखट पर जब बैठा जाता है, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उदास होकर बैठा जाता है, वो भी मृत व्यक्ति की याद में। इसीलिए अगर आपके घर में कोई स्वस्थ है और किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो आप मृत्यु को आमंत्रण ना करें, इस समय चौखट पर ना बैठे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है, वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है, और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते हैं। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जीवन पर जंग लग जाता है, जो कि ऐसी मान्यता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक तो बनता है।